हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा और स्वागत है आपका मेरे चैनल डीके किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दिवाली स्पेशल पुड़ा चिकरंजी, यानी एक महाराष्ट्र का गुजिया का प्रकार है और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। जैसे आप चाय के साथ खारी खाते हो, बिल्कुल वैसी ही इसकी फीलिंग होती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसके कुछ ट्रिक्स है तो वही आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूले। तो चलो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले हमें गुजिया का ऊपर का कवर तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल मैदा और हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल एक पिंच नमक। तो नमक से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं गरम घी। तो यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ पे हम गरम घी ऐड करने वाले हैं और इसको हम अच्छे से पहले चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको हाथ से मिक्स करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये जो मैदा है ना, उसमें हमने जो घी ऐड किया है, तो ये जो मैदे को हमें घी को अच्छे से हाथ से लगा लेना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी बहुत ही ध्यान रखने वाली ट्रिक्स है, तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो यहाँ पे हमने घी को अच्छे से लगा लिया है मैदे को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहुत अच्छे से गोला बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आटा है गूंदने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो बना लेना है। तो पानी को हमें एक साथ ऐड नहीं करना है और इसका जो डो है हमें बिल्कुल हार्ड तैयार करना है, नरम इसका डो नहीं बनाना है हमें। तो इसको अब हम ढक कर रख देते हैं आधा घंटे के लिए और इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। तो फ्रेंड, जब हम पुड़ा चिकरंजी बनाते हैं ना, तब उसमें हम साठा यूज करते हैं। तो साठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच घी और हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न फ्लावर। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी और हमें उसको बहुत अच्छे से फेंटना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी बहुत ही अच्छी टिप है इसमें। तो इसको हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। तो यहाँ पे जो साटा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चम्मच से ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो साटा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो इसको हमने आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था और इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा गूंद लूंगी और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अगर आपका आटा ज्यादा हार्ड हो चुका है तो आप उसको थोड़ा सा कूट ले। तो यहाँ पे जो मेरा आटा है बहुत अच्छे से परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको मैं 2 कलर में बनाने वाली हूँ। तो पहले हम यहाँ पे इसके पार्ट बना लेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड फूड कलर ऐड किया है ऑरेंज कलर का, तो वो ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। हमने यहाँ पे 3 पार्ट में कलर ऐड किया है, 3 पार्ट ऐसे ही रखे हैं, तो उसमें से एक पार्ट हम बेलेंगे। तो आपको बिल्कुल पतला बेलना है, जितना हो सके आपको उतना पतला ही बेलना है इसको, ताकि इसकी जो लेयर्स है बहुत ही पतले आएंगे। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही पतला बेलना है। तो ये टिप्स आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल पतला बेला है और इसी तरह मैं दूसरी भी रोटी बेलूंगी। इसको मैं एक प्लेट में रख दूंगी इस तरह से। तो सारी रोटी को हमें इसी तरह हम बेलना है। तो यहाँ पे मैंने एक कलर वाली जो रोटी है अच्छे से बेली है और बिल्कुल पतली बेलना है हमें इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पतला बेला है इसको मैंने, और इसी तरह हम बाकी की रोटी को भी
बेलेंगे। यहाँ पे हमारी सारी रोटियाँ तैयार है, तो इसमें हम ऐड करेंगे, एक रोटी लेना है हमें और उसके ऊपर हमें ऐड करना है ये साठा जो हमने तैयार किया है, और इसको हमें हाथ से बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करना है चारों तरफ से इस तरह से, और फिर उसके ऊपर हमें दूसरी रोटी रखनी है और सेम प्रोसेस हमें वही करनी है, तो इसमें कोई भी प्रोसेस आप मिस ना करें। दूसरी रोटी को भी हमें इसी के ऊपर रखना है इस तरह से, और फिर हमें साठा लगाना है, फिर उसके ऊपर हमें तीसरी रोटी रखनी है, और फिर जो प्रोसेस है फिर दोहरानी है और जो साठा है लगा लेना है इसी तरह से। तो जब हम रोटी को एक के ऊपर रखते हैं तो उस टाइम भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल भी इसमें बबल्स या स्पेस नहीं रखना है, और इस तरह से रोटी को हमें फैला देना है, आप प्रोसेस वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से, और फिर हमें इसको रोल करना है। तो यहाँ पे हमने सारे जो रोटी को साठा लगा लिया है, अब हम इसको बिल्कुल ध्यान से इसका रोल करते जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पतला इसका जो रोल है बना लेना है हमें। तो इस रोल को रोल करते समय जब हम रोलिंग करते हैं उस टाइम आपको बिल्कुल पतला ही रखना है इसको, तो इस तरह से आपको वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से ही पतला रखना है इसको। फिर हमें इसको बिल्कुल मीडियम साइज में काटना है, आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े लुइया रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मीडियम साइज की लुइया रखने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो लेयर से बहुत ही बढ़िया आ रही है अभी से, और जब हम इसको बेलेंगे और जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये जो लेयर से बहुत ही खुलकर दिखने वाली है। अब हमें लेना है इसमें से दो लुइया और एक के ऊपर एक रखनी है इस तरह से, तो प्रोसेस आपको देखती रहनी है इस तरह से, और फिर हमें इसको बेलना है। तो एक के ऊपर एक हमने लुइया रखकर इसको इस तरह से बेला है, तो अभी से आप देख सकते हैं इसके जो लेयर्स है अभी से दिखना शुरू हो चुके हैं, तो इसको हमें इस तरह से बेलना है। अब हमें इसके ऊपर रखना है स्टफिंग, मतलब सारन जो हमने तैयार किया है। इस सारन की रेसिपी मैंने पिछली वीडियो में दिखाई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देख ले। तो सारन हम इसमें भरेंगे और जो साइड से हम इसको दूध लगाने वाले हैं, ताकि ये जो करंजी है यानी गुजिया है तेल में हम इसको डीप फ्राई करते वक्त खुले नहीं, इसलिए इसको हमें दूध लगा लेना है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है, आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब इसको हमें बंद करना है और अच्छे से इसको पैक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हाथ से दबाकर इसको प्रेस कर लेना है, ताकि ये जो तेल में बिल्कुल खुले नहीं, अगर ये तेल में खुल जाएगा तो जो सारा तेल है बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमें ध्यान से इसको पैक करना है इस तरह से। और जब आपकी करंजी तैयार हो जाएगी तो इसको हमें ढक कर रखना है, तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है और इसको थोड़ा सा गीला किया है, ताकि ये जो करंजी है हमारी नरम ना पड़ जाए और सूखी ना हो जाए, और इस जब सूख जाती है तो तेल बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको हमें ढक कर रखना है, और इसी तरह हम सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे। तो अब हम डीप फ्राई करेंगे इस गुजिया को, तेल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसको हमें अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं झारे की सहायता से इसके ऊपर तेल को हमें छिटकना है, ताकि इसकी लेयर से खुल जाएंगे अच्छे से, और इसको हमें पलट कर अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, सॉरी डीप फ्राई कर लेना है अच्छे से। और इसी तरह हम सारी गुजिया को डीप फ्राई करेंगे, और आपको सेम प्रोसेस वही करनी है।
इस गुजिया को जब हम तेल से बाहर निकाल देते हैं तो आपको इस गुजिया को इस तरह से झारे के ऊपर एक साइड से जो तेल है उसको निकाल देना है। इस तरह से प्रोसेस आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर इस गुजिया को एक पेपर में निकालना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाए। तो इसकी जो लेयर्स है बहुत ही बढ़िया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह हम बाकी की गुजिया को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी तैयार है पुड़ाची करंजी। तो इस दिवाली में इसको घर पे जरूर ट्राई करें, सबको पसंद आने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मुष्टिमुर्ण खाते रहिए। तब तक के लिए बाय।